बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए गुरुवार को दादर से चैत्यभूमि पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चे बूढ़े महिलाएं सभी चैत्यभूमि की ओर जाते दिखाई दिए। रेलवे स्टेशन, बस डिपो, एसटी डिपो, बस स्टॉप से हाथ में झंडे दिए दादर की ओर जाने वालों का तांता लगा रहा। मंत्री, सांसद, विधायक, समाज सेवक की भारी भीड़ चैत्यभूमि पर जमा हुई। सभी ने पुष्प अर्पण कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मान दिया। चैत्यभूमि जाने वालों की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बीएमसी बेस्ट केंद्र व राज्य सरकार के अलावा गैर सरकारी संगठनों ने किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं की। हालांकि उमड़ी भीड़ को देखते हुए सुविधाएं जरूर कम पड़ती नजर आई। रेलवे टर्मिनल्स पर आने वालों की सेवा सत्कार में गैर सरकारी संगठन और बीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी। लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पर आने वाले लोगों के खान पान व्यवस्था राजनीतिक दलों के अलावा बीएमसी और एनजीओ ने संभाल रखी थी। मदद कार्य में मध्य और पश्चिम रेलवे प्रशासन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों के मार्गदर्शन और मदद हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित कर रखा था। मुंबई पुलिस, रेल पुलिस, आरपीएफ, होमगार्ड व अन्य सरकारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता दी। स्कूल कॉलेज के छात्र, एनसीसी कैडेट, एनएसएस के स्टूडेंट ने भी मदद को आगे आए। मुंबई महानगर पालिका ने शिवाजी पार्क व कई अन्य क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा मुहैया कराने की भरपूर कोशिश की। डॉक्टर बाबा साहेब पर लिखे गए साहित्य फोटो की बिक्री भी भारी संख्या में दिखाई दी। बाबा साहब अम्बेडकर के 56वें वर्षगांठ पर जहां पर पहुंचे शिवाजी पार्क में लाखों की तादाद। इस शिवाजी पार्क में अलग अलग तरह के संस्थाएं और संगठन ने अपने अपने प्रदर्शन को दिखाए और लोगों के लिए मुफ्त सेवाएं भी अर्जित की। कैमरामैन निमतियाज के साथ स्टीफन की रिपोर्ट, तेलंगाना 24 न्यूज़, मुंबई।